नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 रेटिंग का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आज एक बार फिर से पत्र जाहिर कर सभी हिंदुओं को एक होने का आदेश दिया है और ये कहा है कि हिंदुओं अपनी ताकत दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। जहां जहां भोंगे से आजान होगा, वहां वहां भोंगे से हनुमान चालीसा की आवाज कल सुनाई देगी। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले को लेकर राज्य की आघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि कल यानी 4 मई को अगर आप लाउडस्पीकरों को अजान बजते हुए सुनते हैं तो उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं, तभी उन्हें इन लाउडस्पीकरों की बाधाओं का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम देश की शांति नहीं भंग करना चाहते हैं, हम कोई दंगा नहीं चाहते, लेकिन अगर लाउडस्पीकर की बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम भी इस मुद्दे पर अड़े रहेंगे। आखिर में राज ठाकरे ने पत्र में लिखा कि समाज के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को उतारने का फैसला लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। जिन इलाकों की मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, इन इलाकों में किसी भी तरह की तकलीफ वहाँ के लोगों को ना हो, इस बात का ख्याल हिंदू भाइयों को रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने इस लेटर में ये भी लिखा है कि सभी हिंदू एक हो जाओ, बता दो सरकारों की हिंदुओं की ताकत क्या है, ये कितने हिंदुओं को जेल में डालेंगे, इनके पास इतनी जेलें भी नहीं है, इतने सलाखे भी नहीं है, इतनी जगह भी नहीं है, आप सब सड़कों पर उतरकर हनुमान चालीसा बजाएं। हम महाराष्ट्र में देश में दंगा नहीं चाहते, लेकिन ये अगर जिद पर अड़े है तो हम भी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो राज ठाकरे के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है कि किसी पर भी कार्रवाई करो, जो करना है करो, लेकिन कानून व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद काफी तुल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार न करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के साथ हुए बैठक के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में कानून व्यवस्था के हालात की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ठाकरे ने पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तरीके अपनाने और किसी का इंतजार न करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र पुलिस के डायरेक्टर जनरल रजनीश सेठ के साथ फोन पर हुई बातचीत में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य के गृह विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे राज्य के लोग महाराष्ट्र में घुसकर वहां की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के डीजीपी को राज्य के 15,000 से ज्यादा लोग के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने आज राज्य की कानून व्यवस्था के सिलसिले में समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजीपी रजनीश सेठ ने कहा कि राज्य की पुलिस किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स और होम गार्ड की टीम को भेजा गया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो राज ठाकरे के गुड़ी पड़वा के अल्टीमेटम के बाद सबसे पहले हनुमान चालीसा बजाने वाले महेंद्र भानुशाली, मनसे नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र भाई, महेंद्र भानुशाली, आपको पुलिस ने कहां से डिटेन किया है? उत्तर तो देऊ द्या, स्मशान मधन मला अरेस्ट केलेलं आहे, माझ्या मित्राचे वडील गेले। महेंद्र भाई, कहां से डिटेन किया आपको? भटवाड़ी स्मशान में से डिटेन किया है। भटवाड़ी पुलिस स्टेशन में हेला पण गया हो काम कर रही है। महेंद्र भाई, आपकी अगली रणनीति क्या है? आप बोलेंगे वो। महाराष्ट्र में दिन ब दिन लाउडस्पीकर विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है।
मंगलवार को मुंबई पुलिस ने मनसे कार्यालय से लाउडस्पीकर जब्त किए हैं। वहीं पार्टी की चांदीवली इकाई के प्रमुख महेंद्र भानुशाली और अन्य को हिरासत में भी लिया है। वहीं पुलिस ने अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत मनसे नेता रतन सरदेसाई और बाला नंदगांवकर सहित कम से कम 100 लोगों को नोटिस जारी किया है। मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे पर पुलिस ने बीते रविवार की एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने को लेकर औरंगाबाद के सिटी चौक थाना में विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने राज ठाकरे के अलावा जनसभा आयोजकों पर भी मामला दर्ज किया गया है। माजी पोलिसांना नम्र विनंती आहे, जय सभेच्या वेळेला ही बांग जर सुरू करणार असेल, आपण आत्ताच्या आत्ता ताबडतोब तोंडात बोळा कोंबावा, त्यांना जर सहज सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। इथे जे कोणी पोलीस अधिकारी असतील त्यांना मी सांगतोय आत्ताच्या आत्ता जाऊन हे पहिल्यांदा बंद करा। आणि माझं एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना तर एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत। आपको बता दे कि महेंद्र भानुशाली वही मन सैनिक है जिन्होंने राज ठाकरे के 2 अप्रैल के जनसभा के बाद 3 अप्रैल को सबसे पहले अपने कार्यालय पर भोंगा लगाकर हनुमान चालीसा बजाया था और मनसे के कार्यकर्ता महेंद्र भानुशाली को ही पुलिस ने आज सबसे पहले गिरफ्तार किया। हालांकि 15,000 से ज्यादा मन सैनिकों पर फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। राज ठाकरे को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो राज ठाकरे के खिलाफ जो है वो औरंगाबाद के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेजा है। राज ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यही वो भाषण है जिसके खिलाफ जिसके लिए राज ठाकरे पर मामला दर्ज हुआ है। सुनिए जरा। माजी पोलिसांना नम्र विनंती आहे, जय सभेच्या वेळेला ही बांग जर सुरू करणार असतील आपण आत्ताच्या आत्ता ताबडतोब तोंडात बोळा कोंबावा, त्यांना जर सहज सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही। सुना राज ठाकरे की सभा के भाषण का ये वही हिस्सा है जिस हिस्से के तहत अब राज ठाकरे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसी भाषण को लेकर इसी वाक्य को लेकर राज ठाकरे की गिरफ्तारी की जा सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 1 मई को औरंगाबाद की रैली में भड़काऊ भाषण को लेकर केस दर्ज किया गया है। औरंगाबाद सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में अपना अल्टीमेटम दोहराते हुए कहा था कि अगर 3 तारीख के बाद भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो जगह जगह MNS कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभा आयोजित करने से पहले राज ठाकरे को परमिशन देते वक्त जो शर्तें बताई गई थी उनमें से 12 शर्तों का उल्लंघन किया है। राज ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि अगर नहीं हटाया गया भोंगा तो महाराष्ट्र में आगे क्या होगा हमें नहीं पता। अरे माझा एक म्हणणं आहे या बाबतीत, त्यांना जर समजा सरळ भाषेमध्ये समजत नसेल ना तर एकदा काय ते तिच्या आईला होऊनच जाऊन देत। इसको लेकर फिलहाल कई मन सैनिकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है। तो 2 साल बाद मुंबई में आज धूमधाम से ईद मनाई गई। शाहरुख खान और सलमान खान ने अपने बालकनी में आकर फैंस को ईद की बधाई दी। देश और दुनिया में आज यानी 3 मई को बड़ी ही धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। भारत में भी इस त्योहार की रौनक देखने को मिली। आम से लेकर खास तक हर कोई ईद के मुबारक मौके पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ दावत और दुआओं को साझा कर रहा है। बी टाउन में भी ईद की रौनक देखने को मिल रही है। इस बीच किंग खान के बंगले मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें मन्नत के बाहर फैंस का हुजूम देखने को मिल रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान के बंगले के बाहर काफी भीड़ जमा है, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। बता दें, शाहरुख हर साल ईद के मौके पर अपने फैंस से दुआएं लेने और मुबारकबाद देने के लिए अपनी बालकनी में आते हैं। हालांकि पिछले दो साल से कोरोना महामारी के चलते ईद सेलिब्रेशन का तरीका बदल दिया गया था, लेकिन इस बार कोविड केसेस में राहत होने के चलते लोग घरों से बाहर निकल कर इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में फैंस एक बार फिर अपने चाहते स्टार्स के घर के बाहर पहुंच गए। वीडियो में कई लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए हुए भी देखा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में भी लोग ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस के डीजीपी रजनीश सेठ ने ये साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 30,000 पुलिस बल पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने आज राज ठाकरे के अल्टीमेटम और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज्य के पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ भी मौजूद थे। बैठक के बाद रजनीश सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में गृह मंत्री ने अब तक सभी मुद्दों की समीक्षा की है। महाराष्ट्र पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है, साथ ही असामाजिक और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। राज्य में SRPF और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था खराब होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि औरंगाबाद के भाषण का अध्ययन किया गया है। औरंगाबाद CP कार्रवाई करने में सक्षम है और कार्रवाई होगी। क्या और कैसी कार्रवाई करें, इस पर औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर अध्ययन कर रहे हैं। अगर कोई धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने बड़ी संख्या में प्रतिबंधित कार्रवाई की है, नोटिस जारी किए गए हैं। 87 SRPF कंपनी ने 30,000 होमगार्ड तैनात किए हैं। सभी CP को सूचित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होगी। महाराष्ट्र पुलिस अब तक 15,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। 13,000 लोगों को 149 का नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। किसी ने गलत काम किया तो कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर राज ठाकरे के नोटिस से वाकिफ है। आज कार्रवाई होकर रहेगी और इसका आखिरी फैसला मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के हाथों में है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे के अल्टीमेटम से सरकार नहीं चलती। राज ठाकरे बाहर से राज्य में गुंडा लाकर दंगा कराने की साजिश कर रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ठाकरे पर केस दर्ज होने के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है। राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र है जिसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुझे जानकारी है कि राज्य के बाहर से लोगों को लाया जा रहा है और दंगे की साजिश रची जा रही है। राज्य सरकार और पुलिस इसे संभालने में सक्षम है। राउत ने आगे कहा कि पूरे देश में ऐसे मामले दर्ज, अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है, कोई ऐसा कुछ लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2008 में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 117 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सांगली जिले के शिराला में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को मनसे प्रमुख को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया था। सहायक लोक अभियोजक ज्योति पाटिल ने बताया कि न्यायाधीश ने राज ठाकरे और एक अन्य मनसे नेता शिरीष पारकर के खिलाफ क्रमांक मुंबई पुलिस आयुक्त व खेरवाड़ी पुलिस थाने के माध्यम से वारंट जारी किया, क्योंकि वे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने के लिए नाकाम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस ने अब तक सैकड़ों मस्जिदों को अनुमति दी है लाउडस्पीकर से अजान बजाने के लिए। राज्य में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने 803 मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी है। उन्हें कुल 1,144 मस्जिदों से आवेदन मिले थे। वहीं मुंबई पुलिस ने आगे कहा कि उन्होंने साइलेंट जोन में स्थित मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार न करने का आदेश दिया है। ठाकरे ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को गृह मंत्री दिलीप वळसे के साथ बैठक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पुलिस ने 4 मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को बंद करने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख
राज ठाकरे की धमकी के कुछ दिनों बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज कर लिया है। राज ठाकरे की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आम जनता पर महंगाई की मार, तेल की भाव में लगातार तेजी आ रही है। भोजन में तेल में तला भुना या छौंका हुआ कुछ चटपटी चीज ना हो तो ज्यादातर लोगों को खाने का मजा ही नहीं आता है। लेकिन बढ़ती महंगाई, खासकर पिछले दो वर्षों में खाने के तेलों की कीमतों में आए आसमानी उछाल के चलते लोगों के खाने का जायका गड़बड़ाने लगा है। खाद्य तेलों पर कड़ी महंगाई की मार के कारण देश में एक तिहाई परिवार अपनी रुचि के तेलों के बजाय सस्ता तेल इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए हैं। देश में 67% परिवार के लोग अपने बजट में कटौती करके तथा अपनी जमा बचत को तोड़कर अपना पेट भर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। देश भर में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किए गए एक सर्वेक्षण में महंगाई के बाद की पारिवारिक स्थिति का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इससे पता चल रहा है कि आसमान छूती कीमतों का सामना कर रही देश की जनता कैसे गुजर बसर कर रही है। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से लगातार जुर्माना वसूला गया है, जरा एक नजर डालिए, आप भी कहीं फंस ना जाए। मुलुंड यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जोरदार कार्रवाई की जा रही है, जिससे वाहन चालकों में खलबली मची हुई है। अप्रैल महीने में मुलुंड ट्रैफिक पुलिस ने 8,772 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है और उन पर 63,09,450 रुपए का जुर्माना किया गया। उल्लेखनीय है कि मुलुंड यातायात विभाग द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी है। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने कहा कि वाहन चालक कानून का पालन सही तरह से नहीं कर रहे हैं। यातायात पुलिस की भीड़ भाड़ वाले परिसर में पार्क करने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रहती है। पुलिस द्वारा मुलुंड रेलवे स्टेशन, चेकना का सोनापुर, सिग्नल 5 रास्ता, LBS मार्ग, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के अलावा अन्य जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस ने अप्रैल महीने में 8,772 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर उन पर 63,09,450 रुपए का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे हैं टॉप 10 बुलेटिन। रोज़ रात में साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।